वेलकम टू माय चैनल माय गार्डन पॉइंट एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप टाइटल से समझ गए होंगे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको लक्की प्लांट्स के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव बताऊंगी। दोस्तों एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी, तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ 100% चेंज होने वाली है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि जानते हैं, रिसर्च से साबित हो ही चुका है कि प्लांट हमारा मूड और एयर क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं और पॉजिटिविटी लाते हैं। जैसे कि हमारे बड़ों ने एक्सपीरियंस से शेयर किया है, और फंक्शुई के अकॉर्डिंग प्लांट्स अपने साथ गुड लक लाते हैं और इसीलिए उन्हें लक्की प्लांट कहते हैं। लक का मतलब होता है हेल्थ, लव, वेल्थ और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज। दोस्तों हर एक लक्की प्लांट की अपनी एक स्पेशल स्ट्रेंथ या फॉर्च्यून होता है, या उसको आप कहिए उसकी पावर होती है। जैसे कि आपको जिस पर्पज़ के लिए प्लांट चाहिए, आपको हेल्थ के लिए चाहिए तो आपको अलग लक्की प्लांट मिलेगा, आपको संतान के लिए चाहिए तो आपको अलग लक्की प्लांट मिलेगा, और वेल्थ चाहिए तो उसके लिए एक अलग होता है जो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लक्की जेड प्लांट को। तो गाइस कुछ केयर टिप्स बताती हूँ। सबसे पहले वाटर की बात करते हैं। उसको वाटर, कम से कम वाटर दीजिए। उसको सॉयल सेकुलेंट की ड्रेन वाली सॉयल उसको पसंद है, उसमें वाटर को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। लाइट को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो लाइट आप उसको 12 घंटे की भी देंगे तो वो बहुत खुश रहता है। डायरेक्शन आपको नॉर्मली साउथ ईस्ट डायरेक्शन सभी लोग बताते हैं, और ये बहुत ही यूज़फुल है। आप उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन दें, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कि आप उसको कहाँ कहाँ पर घर में रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ड्राइंग रूम में रखते हैं या हॉल में रखते हैं, लिविंग रूम में रखते हैं, तो आप उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लैनेट वीनस का रूल चलता है जो कि धन वृद्धि के लिए फेमस है। दोस्तों अगर आप उसको बिजनेस के प्रमोट के लिए, हेल्थ के लिए भी रखते हैं तो भी आप उसको ईस्ट डायरेक्शन में रखिएगा। लेकिन अगर आपको बच्चों के लक के लिए, चिल्ड्रंस के लक के लिए और उनकी क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए रखना है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखिए कि उसको वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। किचन में रखना भी इसको काफ़ी लक्की माना गया है, आप उसको किचन में रखिए, क्योंकि जेड प्लांट वेल्थ का सिंबल है। दोस्तों जाहिर है आप नहीं चाहेंगे कि आप जैसा धन दौलत पानी के साथ आपकी सारी ड्रेन हो जाए, इसलिए आप उसको बाथरूम में बिल्कुल भी मत रखिएगा। हाँ, बेडरूम में भी उसको रखना मना है। अगर आप उसको बेडरूम में रखेंगे तो वो कभी भी खुश नहीं रहेगा, और आपके घर में निगेटिविटी 100% आनी ही आनी है। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिए केयरफुली, आप उसको 3 फीट से ऊंचा बिल्कुल भी मत होने दीजिए, 3 फीट तक ही उसकी हाइट रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, जो स्पेशल बात है जो आपको बहुत केयरफुली सुननी है, मेन बात जो मेरी वीडियो में अब आ रही है, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको बहुत कम जगह पे मिलेगी। स्पेशल रिसर्च करके मैंने ये बातें निकाली हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। दोस्तों आप ये देखिए, सबसे पहली कंडीशन है किसी भी लक्की प्लांट के लिए, अगर आपको किसी भी लक्की प्लांट का लक शेयर करना है तो आप उसको जब खरीद कर लाते हैं अपने घर में तो पूरे स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ लाइए, पूरा ये फील करके लाइए कि हम ये लेकर जा रहे हैं तो ये 100% गुड लक हमारे घर में आ रहा है, 100% आ रहा है। आप जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ लाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको पॉजिटिविटी आपके घर में भी उसके साथ साथ आएगी। जेड प्लांट को कभी एक मत लीजिए, हमेशा दो लीजिए। और दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आप फ्रेंडशिप को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप उसको गिफ्ट करिए। आप गिफ्ट करेंगे जेड प्लांट को तो आपकी फ्रेंडशिप मजबूत होगी, आप बिज़नेस के लिए गिफ्ट करेंगे तो आपका बिज़नेस बढ़ेगा। और अगर उन पर जेड प्लांट पर फ्लावरिंग आ रही है, फ्लावरिंग कब आएगी, जब आप उसको फुल केयर देंगे, फुल अटेंशन देंगे। अगर आप वो देंगे तो वो ग्रोथ करेगा और उस पर फ्लावर आएंगे, और फ्लावरिंग संकेत होता है लक और प्रॉस्पेरिटी का। इस पर पिंक और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं गाइस। तो ये एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको जेड प्लांट के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और इन्फॉर्मेटिव लगी है, यूज़फुल लगी है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसकी प्रोपेगेशन के बारे में गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तब तक के लिए गाइस बाय।